हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उजीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं मेदू वड़ा। बहुत सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी आपको इसे बनाने में, और बहुत क्रिस्पी। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप बिना छिलके वाली उड़द की दाल ले लेंगे। इसे हमें अच्छे से साफ कर लेना है, 3 बार पानी से धो लेना है, और इसे हम 3 कप पानी डालकर भिगाने के लिए रख देंगे। आप इसे 5 घंटे तक भिगा सकते हो या फिर ओवरनाइट भिगा सकते हो। मैंने इसे रात भर भीगने के लिए रख दिया था। अब आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम इसका पूरा पानी ड्रेन कर लेंगे और इसे पीस लेंगे। हमें इसका एक थिक पेस्ट बनाना है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पानी कम से कम ऐड करें। जब मैंने इसे पीसा था मिक्सर में, मुझे पीसने के लिए 1/4 कप से थोड़ा कम पानी लगा था। तो जब आप दाल पीस रहे हो उसमें 2-2, 3-3 टेबलस्पून पानी ऐड करो बीच बीच में, सो दैट दाल अच्छे से पीस सके। क्योंकि उड़द की दाल बहुत स्टिकी होती है तो पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, और हमें इसका बहुत थिक बैटर चाहिए, इसीलिए पानी बहुत ही कम कम ऐड कीजिएगा। जैसे ही उड़द दाल का एक थिक पेस्ट बन जाएगा, उसके बाद 30 सेकेंड तक आप उसे और पीस लीजिए। उससे ये बहुत लाइट हो जाएगी और फ्लफी भी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर दाल को टेस्ट करने के लिए एक बोल में पानी लिया है, उसमें आप थोड़ा सा दाल का मिक्सचर ऐड करके देखिए। अगर वो फ्लोट हो रहा है, इट मींस हमारा दाल का जो बैटर है वो रेडी है। अगर वो फ्लोट नहीं हो रहा है तो आप 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा और घुमा लीजिए मिक्सर में। बहुत से लोग इसे हाथ से भी फेंटते हैं, बट अगर मिक्सर से ही हमारा काम हो रहा है तो आपको फेंटने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा दाल का बैटर परफेक्ट है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसे 20 से 25 मिनट फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मिक्सर में इतना घुमाने की वजह से वो बहुत गर्म हो गया है बैटर, और हमें थोड़ा सा उसको रेस्ट देना चाहिए। अब इसीलिए मैं इसे 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। पच्चीस मिनट हो चुके हैं, मैंने बैटर को फ्रिज में से निकाल लिया है। मैं इसे एक बार मिक्स कर रही हूँ, ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस मैं एक बार बैटर को मिक्स करके रख रही हूँ। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, आप अदरक को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून नमक। आप नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत लोग मेदू वड़ा में ज़ीरा भी ऐड करते हैं, अगर आपको ज़ीरा ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मेदू वड़ा फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे, और अब हम वड़े रेडी कर लेते हैं। उसके लिए आप अपने हाथों में थोड़ा पानी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि उड़द दाल बहुत चिकट होती है, वो हाथ में चिपक जाती है। थोड़ा सा बैटर ले लेंगे हम, उसे अपने हाथ के ऊपर फ्लैट कर लेंगे, उंगली को फिर से गीला कर लेंगे और बीच में एक होल बना लेंगे। होल थोड़ा बड़ा रखिएगा क्योंकि बाद में वो थोड़ा श्रिंक होगा। अब हम अपने हाथों को तेल के ऊपर रखेंगे, वड़ा अपने आप तेल में स्लाइड हो जाएगा, जैसे कि आपने अभी देखा। अगर आपको बहुत गर्म लग रहा है हाथ में तो आप इसे स्पून के ऊपर भी बना सकते हो। मैंने स्पून के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लिया, उसके ऊपर मैंने बैटर रख दिया, उसे फ्लैट कर रही हूँ, और उसमें भी मैं बीच में एक होल बना रही हूँ। याद रखिए, जब आप होल बना रहे हो उंगली को गीला करके ही बनाइए,
और अब मैं इसे भी तेल के ऊपर उल्टा कर दूंगी और वड़ा अपने आप ही स्लाइड होकर तेल में गिर जाएगा। इसी तरह से हम सभी मेदू वड़ा बना लेंगे। आप इसे केले के पत्ते के ऊपर भी बना सकते हो और तेल में डाल सकते हो। इसी तरह से पूरे वड़ा फ्राई कर लीजिए और उसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लीजिए। अगर आप लो फ्लेम पे वड़े को फ्राई करेंगे तो वो बहुत तेल एब्जॉर्ब करेगा, और अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिए। जैसे ही आप वड़े को तेल में डालोगे वो थोड़े से नीचे चिपक जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ऊपर आ जाता है। आप देख सकते हो हमारे पूरे वड़े गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे। इतने बैटर में आपके मीडियम साइज़ के 14 मेदू वड़ा बन जाएंगे। आप इसी तरह से एक एक करके सभी मेदू वड़ा फ्राई कर लीजिए और इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिए नारियल की चटनी के साथ और सांभर के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आई होप आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।